विजिका एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माई लाइफ माई होम माई स्टाइल तो कैसे हैं आप लोग तो so, आज मैंने फाइनली uh, क्रिएट किया है ये पर्पल मोनोक्रोम लुक और बहुत क्विकली मैंने इसे क्रिएट किया है और इसके साथ मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कैरी करी है और होप uh, आप लोगों को ये ज्वेलरी uh, अच्छी लग रही हो इस लुक के साथ और पर्पल अपने आप में ही एक बहुत ब्राइट सा कलर है तो इसलिए मैंने जो आई मेकअप रखा है बहुत ही सिंपल रखा है और लिपस्टिक मैंने कैसे बनाई है आइए आप वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम हैंडल है माई लाइफ माई होम माई स्टाइल चलिए सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे प्लम का ग्रीन टी बेस्ड टोनर और समर्स के लिए टोनर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपकी स्वेटिंग को रोकते हैं कहीं ना कहीं टोनर्स और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है टोनर और उसके बाद मैंने यूज़ किया फेस क्रीम ये गुड वाइफ की रोज़ हिप फेस क्रीम है मैं सेकेंड टाइम ही से यूज़ कर रही हूँ मुझे अच्छी लगी है क्रीम और आगे मैं और यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसी रही और ये क्रीम अभी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मेकअप के बेस के लिए परफेक्ट क्रीम है ये मुझे अच्छी लगी बहुत अच्छा बेस निकल के आया था इस क्रीम को लगाने के बाद फिर मैं यूज़ करूँगी प्राइमर और प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी प्राइमर ये प्राइमर विद क्ले है और बहुत अच्छे से पोर्स को फिल करता है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला प्राइमर और बिल्कुल मैटिफाई लुक दे देता है मैट इफ़ेक्ट देता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे प्राइमर बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हुआ है फेस पर बहुत अच्छे से ब्लर आउट किया है इसने मेरे पोर्स अभी मैंने थोड़ा ही टाइम हुआ है इसे यूज़ करे तीन चार बार ही मैंने इसे यूज़ किया है और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन सुपर स्टे ट्वेंटी फोर आर फुल कवरेज फाउंडेशन जो शेड है मेरा वो वन ट्वेंटी एट वॉम न्यूड है और ये ऑयल फ्री प्राइमर ऑयल ऑयल फ्री फाउंडेशन है तो ये समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है विंटर्स में इतना तो अच्छे से वर्क नहीं करता है क्योंकि पैचेस आ जाते हैं विंटर्स में लेकिन समर्स में ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे से फुल कवरेज दे देता है अगर आप इसके दो पंप लगाएंगे तो आपको फुल कवरेज मिल जाएगी मुझे नेचुरल फिनिश अच्छी लगती है फाउंडेशन की इसलिए मैंने कम ही फाउंडेशन लगाया है और देखिए कितना कम लगाने के बाद भी मेरा पूरा जो फेस है वो अच्छे से जहाँ जहाँ पे भी मेरे प्रॉब्लमेटिक एरिया थे वो सब कवर हो गए हैं इस फाउंडेशन से और फाउंडेशन लगाने के बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं मिस क्लेर का फेकिट कंसीलर लगा रही हूँ जो शेड नंबर है वो फोर है और ये भी फुल कवरेज कंसीलर है तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ इसे और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ये वाला कंसीलर भी और जहाँ जहाँ भी मुझे कंसीलर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ सब मैंने कंसीलर लगा के अच्छे से ब्लेंड आउट किया अच्छा आप लोग भी ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं अपना मेकअप बेस सेट करने के लिए और या फिर ब्रश से यूज़ करते हैं ब्रश यूज़ करते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो कंसीलर अच्छे से सेट हो गया है और उसके बाद मैं इस सबको सेट करने के लिए एन वाई बी कॉम्पैक्ट ले रही हूँ जो जिसमें एस पी एफ फोटी है और जिसका शेड है स्टेला आइवरीज लुक सेवन और काफ़ी अच्छा है ये कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो फिल करी है और ये मैंने मेबलिन की फैशन ब्राउज़ ली है और जो शेड है वो ब्राउन है काफ़ी अच्छा है और नेचुरल लुक देता है ये वाला आईब्रो पेंसिल और उसको अच्छे से मैंने स्पुली ब्रश की हेल्प से स्प्रेड आउट किया है अपने जो भी मैंने कलर प्लेस किया है अपने आईब्रोज़ में उसे अच्छे से स्प्रेड आउट किया है तो बिल्कुल नेचुरल सी लगती हैं वैसे मेरी आईब्रोज को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कलर की उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने मार्स की आई बिलोंग टू बिलोंग इन योर पर्स आई शेडो पैलेट ली है और ये पर्पल शेड वाली मैंने पैलेट ली है इसमें से पर्पल शेड लेके और अपने पूरे क्रीज़ लाइन से लेकर अपने पूरे आईलेट पे प्लेस कर रही हूँ थोड़े से ना इसके जो कलर्स हैं पिगमेंटेड नहीं हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ा बार बार प्रोडक्ट को पिक करना पड़ा तब जाके जो कलर पे ऑफ है तब आया अच्छे से तो दोनों आईज में मैंने अच्छे से आई शेडो लगाया है उसके बाद मैंने ये लिए है कफ्स एंड लेशंस ऐ... एंजेंटिंग आई शेडो पैलेट और इसमें से डार्क पर्पल शेड लेके अपने जो आउटर कॉर्नर्स uh, है उन्हें अच्छे से डेप्थ दे रही हूँ आउटर कॉर्नर्स को और वहीं वहीं मैंने उसे ब्लेंड आउट किया है और जो एक्सेस प्रोडक्ट बच गया है उसे मैंने अंदर की तरफ ब्लेंड आउट कर दिया है क्रीज लाइन पर तो कुछ इस तरह से मेरा ये आई शेडो दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ओवरऑल तो इसी तरह से मैंने दोनों आइज़ में कलर करा है और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने इसे प्लेस किया है और सेम कलर को मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पे भी स्मोक आउट किया है देखिए कुछ इस तरह से दोनों आइज में हो गया है मेरा कंप्लीट। फिर मैंने मार्स की सेम पैलेट में से ये शिमरी पर्पल कलर लिया है पहले मैंने ब्रश से पिक किया था लेकिन ब्रश से अच्छा आ, कलर पिक नहीं हो रहा था अच्छे से आ, पिगमेंटेशन नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने फिर फिंगर्स की हेल्प से उसे यूज़ किया और फिंगर से अच्छे से पिकअप हो रहा था प्रोडक्ट और फिर मैंने जितनी भी अपनी आईलेट बची है इनर कॉर्नर से लेके मिडल तक और सब जगह मैंने शिमर कलर प्लेस करके और सबको ऊपर की तरफ से सारे जितने भी कलर थे ब्रश से ब्लेंड कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेबलिन का एक क्लॉसल आई और छोटा सा विंग क्रिएट किया है लाइनर ये बहुत अच्छा है लाइनर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत जल्दी ड्राई होता है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर तक आई बंद करके रखनी पड़ेगी और फिर ये जाके ड्राई होगा बहुत जल्दी ड्राई होता है और मुझे अच्छा लगा ये वाला लाइनर फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल ये शुगर का काजल है वो शिमरी वाले जो काजल है ना ब्लैक कलर में है जो इसका शेड नंबर है जीरो फाइव ब्लैक मैजिक और हल्का हल्का से मैंने इन अपने लोअर वाटर लाइन पे लगा के और ब्रश ही हेल्प से स्मोक आउट कर दिया है तो पर्पल और ब्लैक मिक्स हो गया है नीचे लोअर वाटर लाइन में उसके बाद मैंने अपनी आई को कर्ल किया है और ये वेगा का कर्लर है लैश कर्लर अच्छे से कर्ल हो जाता है एक दो बार में ही कर्ल हो जाता है अच्छे से और उसके बाद मैंने यूज़ किया है मस्कारा ये ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा है ओके okay, ओके okay है ज़्यादा पसंद नहीं आया लेकिन मुझे फिनिश करना है अब मैंने लिया है तो इसे फिनिश करना ही है तो इसलिए मैंने आ, मस्कारा लगाया है मस्कारा लगाने के बाद मैंने लैशेस लगाई थी उसके बाद मैंने किया है ब्राउन्जप और यहाँ पे मैंने शुगर का ये पैलेट लिया है कॉन्टोर दी फोर्स ब्राउज़र मिनी ब्राउन्जर है ये वुडी वंडर इसका शेड नेम है और अच्छे से ब्राउन्जप किया है और अपनी नोज़ को भी थोड़ी शेप दी है थोड़ी मोटी लग रही थी मेरी नोज़ इसलिए मैंने उसे शेप दिया है और अच्छे से ब्राउन्जप किया है अपने पूरे फेस को और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये आ, स्विस ब्यूटी का ब्लश ये बेक्ड ब्लश है और जो शेड है वो लवली पिंक है ज़ीरो सिक्स और इस वाले पर्पल लुक पे ये वाला ब्लश अच्छा लगता है इसलिए मैंने आ, इसे यूज़ किया और इसमें थोड़ी सी शीन भी है तो अच्छे से शाइन आ रही थी फ़ेस पे और उसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है ये भी मैंने शुगर का मिनी हाइलाइटर लिया है जो शेड नेम है वो शैम्पिन चैम्पिन है और ज़ीरो टू और काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है फॉर बोल सकते हैं फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा हाईलाइटर है ये और उसके बाद मैंने सेम पैलेट लिया मार्स की और उसमें से ये पर्पल शेड लेके और थोड़ा मैंने इसे पिन की हेल्प से थोड़ा सा शेड निकाला है और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लिप बाम डाला है और दोनों को मिक्स कर दिया है लिपस्टिक बना रही हूँ एक्चुअल में और मैंने लिपस्टिक बनाई है और जो पर्पल कलर ये निकल के आया है ना लिपस्टिक का मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आजकल तो वैसे भी ये थोड़ी ग्लॉसी लिपस्टिक का ट्रेंड है तो ये ग्लॉसी इफ़ेक्ट ही दे रहा था क्योंकि लिप बाम डला हुआ था इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये शेड पहले मैंने सोचा था कि मैं डार्क पर्पल लगाऊंगी बट मुझे ये वाला शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे यहीं पे एंड अप किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अपना लिपस्टिक का लुक जो ग्लॉसी इफेक्ट भी दे रहा था और प्रॉपर जो पर्पल कलर चाहिए था वो भी आ गया है इसके बाद मैंने अपने पूरे मेकअप को सेट कर लिया है सेटिंग स्प्रे से ये मेवलिन का लास्टिंग फिक्स सेटिंग स्प्रे है और उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली है छोटी सी पर्पल कलर की ही लगाई थी जो समझ में नहीं आ रही कि पर्पल कलर की है और यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर की है ईयर पहने हैं और नेक पीस पहना है और हाथ में भी मैंने ऑक्सीडाइज बैंगल डाली हैं ये मैंने सब मीशो से मंगवाया था ये वाला सेट और ओवरऑल लुक आपको आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था काफ़ी इजीली क्रिएट हो गया तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू बाय एंड टेक केयर